इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु अभी दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी हैं और देख सकते हैं आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए उनकी तस्वीरें। पीवी सिंधु जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बैडमिंटन में और एक नया कीर्तिमान उन्होंने अपने नाम किया है। पीवी सिंधु भारत की सिर्फ दूसरी ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने दो इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीते हैं और पहली इकलौती महिला ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है। इंडिविजुअल स्पोर्ट में उन्होंने दो बार ओलंपिक में पदक जीता है। पिछले ओलंपिक में 2016 में रियो ओलंपिक्स में उन्होंने रजत पदक जीता था, सिल्वर मेडल उन्हें मिला था और इस बार ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता और भारत की पदक तालिका 3 तक पहुंचाई और उनका स्वागत हो रहा है फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर। और इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि पीवी सिंधु इस कारनामे के साथ दुनिया की सिर्फ चौथी ऐसी फीमेल बैडमिंटन प्लेयर बनी है जिन्होंने बैक टू बैक ओलंपिक्स में कोई पदक जीता हो, तो ये भी एक नया कीर्तिमान है उनके नाम पर। पीवी सिंधु जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद ये बात कही थी कि बड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही हैं, अलग अलग तरीके की भावनाएं उनके अंदर उमड़ रही हैं, क्योंकि एक और उनको इस बात का दुख था कि वो सेमीफाइनल हारी, फाइनल में नहीं पहुंच पाई और दूसरी ओर वो ब्रॉन्ज मेडल जीती भी, तो एक तरफ खुशी भी थी और गोल्ड ना ला पाने का एक मलाल भी उनके मन में जरूर था जिसका जिक्र उन्होंने किया। बहरहाल एक बहुत बड़ी कामयाबी के साथ लौटी हैं पीवी सिंधु, दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी हैं और एक और दिलचस्प बात जो पता चली वो ये कि जब वो रवाना होने वाली थी उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने सारे पूरे जो स्क्वाड था ओलंपिक का इंडिया का उनसे बात की थी, तो पीवी सिंधु से उन्होंने कहा था कि क्या वो आइसक्रीम खा पाती हैं या उनके कोच उनके ट्रेनिंग स्टाफ वगैरह मना करते हैं, तो पीवी सिंधु ने कहा था कि फिलहाल वो अपनी ट्रेनिंग की वजह से नहीं खा पा रही आइसक्रीम, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप लौटिए हम साथ में आइसक्रीम खाएंगे। और कल ही उनके पिता ने, पीवी सिंधु के पिता ने कहा कि इंतज़ार है कि पीवी सिंधु वापस लौटेंगी फिर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगी और उन्हीं के साथ आइसक्रीम खाएंगी भी। आज की खबर आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि जो पूरा ओलंपिक कंटिंजेंट है भारत का 15 अगस्त को वो सब विशेष अतिथि के तौर पर लाल किले की प्राचीर पर मौजूद होंगे और उसके बाद उनसे एक एक करके प्रधानमंत्री मिलेंगे भी। तो एक ये भी देखते हैं कोई रिएक्शन क्या पीवी सिंधु देती हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रशंसक उनके इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, मीडिया मौजूद है, सब बात करना चाहते हैं उनसे। और यहाँ से पीवी सिंधु क्या सीधे अब अपने घर जाएंगी या वो दिल्ली में रुकेंगी कुछ दिन, ये भी सवाल है। तो पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत को मेडल टैली में एक पायदान और ऊपर किया और आप समझ सकते हैं कि कितना दबाव खिलाड़ी के ऊपर होता होगा। सेमीफाइनल में वो जिस खिलाड़ी से हारी वो भी फाइनल में हार गई थी, लेकिन उस खिलाड़ी से खास तौर पर मिलने गई पीवी सिंधु और उनसे कहा कि आप जो महसूस कर रही हैं मैं वो समझ सकती हूं क्योंकि मैं भी उसी दौर से गुजरी हूं कि एक पदक तो जीता है लेकिन गोल्ड से चूकी। लेकिन बहरहाल देश उनकी इस कामयाबी से बहुत खुश है। पीवी सिंधु ने लगातार दो ओलंपिक्स में मेडल जीता, पिछले ओलंपिक में जैसा हमने आपको बताया उन्होंने सिल्वर मेडल लिया था और इस बार ब्रॉन्ज मेडल। कड़ा मुकाबला था वो सेमीफाइनल का जिसमें उनको शिकस्त मिली, लेकिन उसके बाद एक जबरदस्त कमबैक करते हुए ब्रॉन्ज मेडल का मैच उन्होंने शानदार तरीके से जीता। और ये भी अपने आप में कम खूबसूरत बात नहीं है कि इस वक्त भारत के पास अगर 3 मेडल हैं ओलंपिक में, इस टोक्यो ओलंपिक में, तो तीनों हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने, महिला खिलाड़ियों ने जीते हैं। सबसे पहले मीराबाई चानू जिन्होंने ओलंपिक्स के पहले दिन ही ये कारनामा किया और वेट लिफ्टिंग में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और उसके बाद लवलीना ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।